एक बार फिर ग्रैंड एशियन न्यूज चैनल पर दिखाई गई खबर का असर निगम प्रशासन पर होता दिखाई दिया है, जिसमें निगम प्रशासन ने घड़ी चौक सुपेला पर खुद के द्वारा निर्माण कराए गए 7 अजूबे स्मारक को संधारित करना प्रारंभ कर दिया है। बीते दिनों ग्रैंड एशियन न्यूज चैनल पर मॉन्यूमेंट, जिसमें 7 अजूबों को संजोकर बनाया गया है, उसकी बदहाली की तस्वीर दिखाई गई थी, जिसके बाद यह खबर निगम प्रशासन की नींद खोलने में सफल रहा और एक बार पुनः ग्रैंड एशियन ने अपनी सामाजिक दायित्व का बखूबी निर्वहन किया है और आज इस मॉन्यूमेंट की साफ सफाई झाड़ियों को काट कर दी गई है। देखना होगा कि यह मॉन्यूमेंट, जो अपना अस्तित्व लगभग खो चुका था, उसे रंग रोगन करके पुनः कब अपने मूल स्वरूप में लाया जाता है। फिलहाल यह मॉन्यूमेंट देखने लायक हो चला है, परंतु अब भी इसमें संधारण की आवश्यकता है और इन 7 अजूबों को दर्शाते हुए मॉन्यूमेंट को संरक्षित करने की जरूरत है। दोस्तों, ये वही सुपेला का मॉन्यूमेंट है जिसमें कि 7 अजूबों को दिखाया गया था। ये ऐसे मॉन्यूमेंट शहर के कोने कोने में बनाए गए हैं निगम प्रशासन द्वारा, सिर्फ इसलिए कि शहर की खूबसूरती को बढ़ाया जा सके। लेकिन बीते दिनों हमने अपने चैनल में यह खबर दिखाई थी कि यह बदहाली के दौर से गुजर रहा है और अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। इस खबर का असर निगम प्रशासन पर इतना हुआ कि आज कम से कम इनकी ये जिन झाड़ियों से ढके हुए थे, उन झाड़ियों को काट दिया गया है और एक साफ सुथरा मॉन्यूमेंट दिखाई दे रहा है। अभी भी इसमें ज़रूरत है रंग रोगन करने की और प्रकाश व्यवस्था करने की, ताकि यह अपने मूल स्वरूप में आ सके। देखना होगा कि हमारे अब इस खबर का असर निगम प्रशासन पर कब तक पड़ता है और कब यह अपने मूल स्वरूप में वापस आ पाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए मैं हूँ भिलाई से संतोष शर्मा।